दही। एक, दही को जल्दी और अच्छी जमाने के लिए रात को जमाते वक्त दूध में हरी मिर्च का डंठल तोड़कर डाल दे, दही जबरदस्त जमेगी। दो, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो तो आटे को गूंथकर उसके छोटे छोटे पेड़े लोइयां बनाकर डाल दे, नमक कम हो जाएगा। तीन, प्याज को काटकर बल्ब या ट्यूब लाइट के साथ बांधने से मच्छर छिपकली और मोर का पंख घर में कहीं भी लगाने से केवल छिपकली नहीं आती, यह आजमाए हुए हैं। चार, यदि फ्रिज में कोई भी खुशबू या बदबू आती है तो आधा कटा हुआ नींबू रखने से खत्म हो जाएगी, 1000 बार आजमाया हुआ है। पाँच, चावल के उबलने के समय 2 बूंद नींबू के रस की डाल दे, चावल खिल जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। छह, चीनी के डब्बे में 3 या 4 लौंग डालने से चींटी नहीं आती। सात, बरसातों के दिनों में अक्सर नमक सूखा नहीं रह पाता, वह सिल गीला गीला सा जाता है, आप नमक की डिबिया में 4-5 चावल के दाने डाल दे, बहुत कम उसमें सीलापन आता है तब। आठ, मेथी की कड़वाहट हटाने के लिए थोड़ा सा नमक डालकर उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। 9. आटा गूंधते समय पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाए, इससे रोटियों और पराठे का स्वाद बदल जाएगा। जूते यदि पॉलिश से साफ नहीं हो रहे हों तो पेट्रोल लगाकर साफ कर लें, जूते चमक उठेंगे। गंदे कपड़ों को उबले हुए आलू के पानी से साफ करें, कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिल्टर काफी बनाने के बाद बचे हुए मिश्रण से बाथरूम का फर्श धोएं, फर्श चमक उठेगा। जले जाने पर जले हुए स्थान पर केला मसलकर लगा लें, फफोले नहीं बनेंगे। कपड़ों या बर्तनों से स्टिकर अथवा लेबल के निशान हटाने के लिए उसे सफेद स्पिरिट से साफ करें। जिस स्थान से चींटियां ज्यादा निकलती हों वहां हल्दी तथा बोरिक पाउडर मिलाकर छिड़क दें, चींटियां नहीं आएंगी। मच्छर ज्यादा हो गए हों तो तवे या फ्राइंग पैन में थोड़ा सा काफी पाउडर डालकर भून दें और इसका धुआं कमरे में कर दें। सिल्की साड़ियों को डिटर्जेंट से धोने के बजाय इन्हें धोने के लिए शैम्पू का प्रयोग करें। बालों में चमक लाने के लिए 1 मग पानी में सिरका डालकर बालों में रगड़ें और कुछ देर बाद धो लें, बालों में चमक आ जाएगी। कपड़े धोते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें, कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे और इनमें चमक भी आ जाएगी। खून रोकने का उपचार, शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए या कट जाए और डॉक्टर तक पहुंचने में देर लगे तो तुरंत खून निकलने वाली जगह पर चुटकी भर चाय पत्ती डालें, फिर उस स्थान पर रुई रखें और जोर से दबाए रखें, चाय पत्ती में टैनिन होने के कारण खून जमने लगता। अच्छी बातें अच्छे लोगों, अपने मित्र, रिश्तेदार और ग्रुप में अवश्य शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना। ये सुनकर कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।